हाय गाइस, आज के इस ट्यूटोरियल में हम आफ्टर इफेक्ट के कुछ बेसिक्स सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आफ्टर इफेक्ट की ये जो स्क्रीन आपके सामने मौजूद है, इसके कुछ डिस्प्ले के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके सामने ये एक बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर प्रोजेक्ट लिखा हुआ है। ये हमारा प्रोजेक्ट डेटा जितना भी हम अपने कंप्यूटर से इम्पोर्ट करेंगे, वो इस बॉक्स के अंदर हमारा डाटा नज़र आएगा। ये हमारा बॉक्स हमारे डाटा को इंपोर्ट करने के लिए होगा। हमारा तमाम इंपोर्टेड डाटा इस बॉक्स के अंदर हमें नज़र आएगा। इसके बिल्कुल सामने जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको ये एक बॉक्स नज़र आ रहा है, दिस वन। तो ये बॉक्स हमें हमारी तमाम वीडियो, एनिमेशंस, इमेजेस, सब का प्रीव्यू इस बॉक्स के अंदर हमें मिलेगा। तो जो भी हम अपनी वीडियो पे काम करेंगे, एनिमेशन डालेंगे, जैसे हम अपनी वीडियो प्ले करेंगे, उसका प्रीव्यू हमें ये बॉक्स देगा। इस बॉक्स के अंदर अपनी वीडियो का प्रीव्यू हासिल करेंगे। उसके साथ आप देख रहे हैं कुछ इन्फॉर्मेशन, कलर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन आ रही है। इसके साथ ही बिल्कुल एक ऑडियो का ऑप्शन है। इस ऑडियो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने से ही आप देखेंगे कि आपको आपकी ऑडियो की तमाम इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो इसके बिल्कुल नीचे देखेंगे आप, आपको एक इफेक्ट्स का बॉक्स नज़र आएगा। ये इफेक्ट्स का बॉक्स हमारे वीडियो में इफेक्ट्स डालने के लिए काम आएगा। जितनी भी एडिटिंग हम अपने वीडियोस में करेंगे, उसके तमाम इफेक्ट्स की मेन्यू ये आपके इस बॉक्स में नज़र आ रही है। और इसके बिल्कुल नीचे ये जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, ये हमारी टाइमलाइन है। ये तमाम बॉक्स, ये जो आपको इस ही हिस्से में नज़र आ रहा है, ये हमारी टाइमलाइन है। तो जी, इसके बाद हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करते हैं। तो एक प्रोजेक्ट पे काम शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जो कंपोजिशन सेटिंग है, वो सेटिंग किस लिहाज से है। और हमें ये बात पता होना चाहिए कि हम अपने प्रोजेक्ट को किस रेजोल्यूशन में बनाना चाह रहे हैं, किस रेजोल्यूशन पे काम करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम एक कंपोजिशन पे जाएंगे, उसके बाद न्यू कंपोजिशन, इस पर क्लिक करते ही आप देखेंगे कि आपके सामने ये बॉक्स शो होगा। इस बॉक्स के अंदर आपकी कंपोजिशन की तमाम सेटिंग्स मौजूद हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पे आपको इसका वेट नज़र आएगा जो कि 1280 है। उसके नीचे हाइट नज़र आएगी 720। तो जी, ये हमारी रेजोल्यूशन सेटिंग है। तो इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके उसके बाद आप अपनी वीडियो पे काम शुरू कर सकते हैं। तो उसके बाद हम बात करेंगे अपना डाटा इंपोर्ट करने की। तो ये जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, अगर हम इस बॉक्स के अंदर अपना डाटा इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसके तीन तरीके हैं। एक, हम फाइल में जाएंगे, अपने इंपोर्ट ऑप्शन में जाके फाइल ओपन करेंगे, तो हमारा इस तरह का ये बॉक्स हमारे पास शो होगा। इसमें से हम अपना डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा तरीका ये है कि इस बॉक्स के ऊपर डबल क्लिक करने से हमारा ये बॉक्स ओपन होगा। इसके अंदर से हम अपना डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं जिस पर हम काम करना चाह रहे हैं। उसके अलावा इसकी शॉर्टकट की Ctrl+I है, जिसको प्रेस करने से आपका ये बॉक्स ओपन होगा। इसमें से हम अपना तमाम मीडिया उठा सकते हैं, अपना डाटा उठा सकते हैं जो कि हम अपने सॉफ्टवेयर पे ऐड करना चाह रहे हैं, जिस पर हम अपना काम करना चाह रहे हैं। तो चले हम इधर से कुछ इंपोर्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं इनमें से एक ये वीडियो उठाता हूँ। तो जी, यहाँ तक देखें, हमने अपना डाटा इंपोर्ट करने का प्रोसेस मुकम्मल कर लिया है। अब इसको हम अपनी टाइमलाइन में ऐड करना चाहते हैं, इस पर हम अपना काम शुरू करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम इसको यहाँ से उठाकर ड्रैग करके इस कंपोजिशन आइकन के ऊपर ड्रॉप कर देंगे। ये देखें, जैसा कि आपने देखा है कि इसको यहाँ से उठाकर इस कंपोजिशन आइकन के ऊपर छोड़ने से ये हमारी टाइमलाइन के अंदर ऐड हो गई है। तो जी, ये वीडियो हमारी जब टाइमलाइन में आ जाए, तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि हमारी ये वीडियो कितने मिनट्स की, कितने सेकंड की, कितने हॉर्स की है। जैसा कि ये आइकन देख रहे हैं आप, इसको सेलेक्ट करने से हम अपनी वीडियो को आगे पीछे कर सकते हैं। अब ये हमारी मौजूदा वीडियो हमारी टाइमलाइन में आ चुकी है। इसके बाद हम इस पे काम शुरू कर सकते हैं।